कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी पुढील काही दिवस सर्व शासकीय कार्यक्रम रद्द करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी केले. आज पुणे जिले में 8 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, इसमें से 3 केसेस कल शाम में हमने देखा है ऐड होते हुए. तो अब बेसिकली लोगों के मन में काफ़ी चिंता और भय है कि पुणे जिला में, पुणे शहर में स्पेशली केसेस की संख्या बढ़ रही है. तो यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो भी केसेस सामने आए हैं, ये पुराने जो हमको 9 तारीख की शाम को जो 2 केसेस मिले थे पॉजिटिव, ये सब लोग उसी से रिलेटेड हैं. कुछ भी ऐसा कोई लोकल ट्रांसमिशन का यहाँ पे इशू नहीं है. मात्र ये हुआ है कि उसमें से जो वाहन चालक उनका था, उनका जो ड्राइवर था, वो एक यहाँ पर लोकल व्यक्ति है. लोग इसमें तो सब लोग हैं, मतलब लोकल व्यक्ति, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन का केस सिर्फ एक वही है. तो सबसे पहले आपकी चिंता दूर हम कर दें कि जो भी ट्रांसमिशन हो रहे हैं, मात्र जो शुरुआत के 2 पेशेंट मिले पॉजिटिव, उसी के कॉन्टेक्ट में आए हुए अभी तक सब लोग हैं. व्यापक तौर पर पुणे शहर में ऐसा नहीं है कि हर जगह इसका मतलब व्यापक असर हो गया है. 2-3 बातें इसमें है कि हमने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे कंटेनमेंट का प्लान किया है कि अगर शहर में ऐसा केस मिला है तो आगे क्या करना है. आपको सर ने बताया कि जहाँ पे ऐसा केस मिला है वहाँ पे उसके हम मान के चलते हैं कि हमारे एपी सेंटर है, उसके आसपास का जो 3 किलोमीटर का एरिया है उसको पूरे तरीके से डोमिनेट करके वहाँ अगर कोई छूट गया हो, अगर वहाँ पे कोई फॉरेन विजिट का हिस्ट्री हो या उसके संपर्क में आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारे पास कवर नहीं हो पाया, उसकी पहचान करके हम उसको रिपोर्ट में लेते हैं. इसमें एक और बात है कि तकरीबन 650 फ्लैट्स हमने अपने पथक के मार्फत, अपने टीम के मार्फत जांच कराया है. और जहां पे एक घटना हुई थी तो वहां पे 4 हमें ऐसे पेशेंट्स मिले जिनका हिस्ट्री हमें मिला नहीं था. तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो कार्रवाई हमको करनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के गाइडलाइन से, वो सब कुछ इसमें हो रहा है. आगे इसमें 2-3 विषय सिर्फ ये हमको देखना है कि जो लोगों में एक भय और भ्रांति फैल गई है कि आगे बहुत जो बुरी स्थिति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ बनती भी है तो प्रशासन की तैयारी काफ़ी अच्छी है. उस पर हमने महापालिका जो 2 हमारे महापालिका हैं और जिला परिषद हैं और राज्य शासन के सभी जो विभाग हैं, सबका एक अच्छा ग्रुप बनाकर सबके साथ समन्वय स्थापित करके जो जो व्यवस्था करनी है की है. आगे बेसिकली लोगों में जन जागरण अच्छे तरीके से हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है. दूसरा विषय ये है कि जो एक बहुत बड़ा लोगों में एक भय है कि यात्रा मेड़ावा बहुत एक से एक सभाएं हो रही है, स्कूल्स खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, इसका क्या असर होगा. इसमें यही है कि आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हम सब कुछ बैन कर दें, मगर ये ज़रूर है कि हम सबको स्ट्रिक्टली एडवाइज़ करें कि आप प्रिकॉशंस लें और सावधानी बरतें. गवर्नमेंट के जितने भी जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी शासकीय प्रोग्राम है, सब हमने रद्द कर दिया है. लेकिन जो भी लोगों के खुद के कार्यक्रम हैं उसके बारे में हमने उनको एडवाइजरी दी है कि आप अपना कार्यक्रम स्थगित करें. बैन हमने लीगली कुछ भी नहीं किया है. कोई धार्मिक कार्यक्रम हो या जो भी हो, लोगों को उस कार्यक्रम में जाने से हम डिस्करेज कर रहे हैं. ये सब मुख्य मुद्दे हैं. जो भी तैयारी करनी है, क्वारंटाइन के सेंटर्स तकरीबन 400 से ज़्यादा बेड्स हमने बना लिए हैं. हमने 200 से ऊपर बेड्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल या जो हमारे शासकीय हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत जो भी आइसोलेशन करने वाले बेड्स हैं उसकी भी हमने व्यवस्था कर ली है. हर व्यक्ति हर संस्था तक पहुंचने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन ने की है. आने वाले समय में पूना शहर या पूना जिले में अगर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न होती भी है तो उसका सामना करने के लिए प्रशासन तैयार है.